जय श्री राधे, जय श्री श्याम। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। आज मेष लगन वाले या मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य उत्तम होगा। राजनीति में आपको कोई सफलता हाथ लग सकती है। किसी भी जमीन से संबंधित कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वाले व्यक्ति आज आप भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति या स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण के योग बन रहे हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आज आपको दाम्पत्य जीवन सुख प्राप्त के योग बन रहे हैं। अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी। नया धंधा व्यापार की योग आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं या कोई काम आज शुरू कर सकते हो। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति कृषि या भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं आपको आज के दिन। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति भाग का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति आज आप कोई धर्म के प्रति रुझान रख सकते हो या धार्मिक अनुष्ठान के योग संयोग आपके माध्यम से बन सकते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हो अथवा कोई व्यापार नया शुरू कर सकते हो। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति भाग का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति स्थानांतरण के योग संयोग बन रहेंगे एवं कोई मांगलिक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। दशम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति कंक्रीट उद्योग जगत आदि का कार्य करते हैं या वाहन से संबंधित तो सफलता हाथ लग सकती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज आपके लिए 80% सुख समृद्धि की योजनाएं आपके मन में होंगी एवं आपके जीवन में होंगी। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आज आप कोई वाहन भी खरीद सकते हो, ऐसा योग संयोग आपका आज के दिन बन रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।